Hello everyone, I am Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the liquidation of companies. So I am going to discuss the liquidation of companies, and all the basics will be cleared after watching the video. So let's get started. हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज़ के बारे में. सो लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज़ क्या है वो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो में मैं आपके सारी बेसिक चीज़ें अबाउट लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज़ क्लियर करने वाला हूँ. सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर चैनल पे नए हैं तो पूरा वीडियो देखने के बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करें, एज वेल एज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करें. I am also a verified educator on an academy platform. So अगर आपने मुझे उस पर अब तक follow नहीं किया है तो सर्च बार में जाके ढूंढे RAHULMOHILE, that's Rahul Mohile, and follow me on an academy. Link in the description box below. So let's start with the liquidation of company. Liquidation of companies में हम एक कंसेप्ट पहले पढ़ने वाले हैं, विच इज़ कॉल्ड एज वाइंडिंग अप. लिक्विडेशन का मतलब होता है कंपनी को वाइंड करना, मतलब कंपनी को बंद करना. और कंपनी को जब हम बंद करने वाले हैं तो सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं. सो हम अभी फ़िलहाल पढ़ेंगे कि वाइंडिंग अप क्या होता है. वाइंडिंग अप इज़ नथिंग बट टू डिजॉल्व अ कंपनी एंड रियलाइज इट्स ऑल असेट्स एंड पे ऑफ द लाइबिलिटीज़. तो सारे असेट्स को रियलाइज़ करके जितनी भी हमारे ये लाइबिलिटीज़ है वो पे ऑफ करनी चाहिए. लेकिन कंपनी अगर खुद सारे असेट्स को बेचेगा, खुद ही सारे लाइबिलिटीज़ को पे करेगा, तो उस बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या जो लाइबिलिटी होल्डर्स है वो ये सोच सकते हैं कि कंपनी ने कुछ चीटिंग किया. इसीलिए एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है, जिसको बोला जाता है लिक्विडेटर. सो ये लिक्विडेटर क्या करता है, ये लिक्विडेटर सेटलमेंट करके देता है दोनों के बीच में, कंपनी के बीच में और उनके जो लाइबिलिटी होल्डर्स है उनके बीच में. सो ऐसे पर्सन को हम एडमिनिस्ट्रेटर या फिर लिक्विडेटर के नाम से भी जानते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ लिक्विडेशन, जो एज पर सेक्शन 270 कवर है. सो मोड्स ऑफ लिक्विडेशन क्या होता है. मोड्स ऑफ लिक्विडेशन का मतलब ये होता है कि कितने तरीके से लिक्विडेशन किया जा सकता है. द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट मोड इज कॉल्ड एज कंपल्सरी वाइंडिंग अप. सो पहले पॉइंट में है, दैट इज कॉल्ड एज कंपल्सरी वाइंडिंग अप. तो कंपल्सरी वाइंडिंग अप और वॉलेंटरी वाइंडिंग अप, ये दो तरीके से कंपनीज को हम वाइंड अप कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है वॉलेंटरी वाइंडिंग अप के बारे में हम डिस्कस करेंगे. वॉलेंटरी वाइंडिंग अप का मतलब ये है कि हमें जो कंपनी का लिक्विडेशन करना है वो हम वॉलेंटरली सोच के कर रहे हैं. तो वॉलेंटरी वाइंडिंग अप या कंपल्सरी वाइंडिंग अप, इसके बेस पे देखते हैं. सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे कंपल्सरी वाइंडिंग अप. अब हमें क्यों कंपनी को बंद करना है. सबसे पहला रीज़न है, कंपनी अगर सामने वाले लाइबिलिटी होल्डर का डेब्ट्स पेमेंट नहीं कर पा रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स. तो हम अगर सामने वाले पर्संस का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, दैट इज़ कॉल्ड एज कंपल्सरी वाइंडिंग अप का फर्स्ट क्राइटेरिया ये बोलता है कि कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे द डेट्स, कॉल्ड एज इनएबिलिटी टू पे डेट्स. तो फर्स्ट ऑप्शन है इनएबिलिटी टू पे डेट्स. द सेकेंड ऑप्शन ये है कि ग्राउंड्स अदर देन इनएबिलिटी टू पे डेट्स, मतलब कंपनी तो डेब्ट्स पेमेंट कर पा रहा है लेकिन कंपनी कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, कंपनी टैक्स इवेजन कर रहा है, कंपनी कुछ फ्रॉड कर रहा है, ऐसे चीज़ों में अगर कंपनी इन्वॉल्व है तो उसे बोला जाएगा ग्राउंड्स अदर देन इनएबिलिटी टू पे डेट्स. सो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप. कंपल्सरी वाइंडिंग अप में क्या होता है, इनएबिलिटी टू पे डेट्स. अगर कंपनी डेट्स पेमेंट करने के लिए कैपेबल नहीं होगा तो कंपल्सरी वाइंडिंग अप किया जा सकता है. एंड कंपनी अगर किसी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, दैट इज
tax evasion, any kind of unlawful activity which creates frauds, etc. So that is called as grounds other than inability to pay. The next important point is voluntary winding up. तो अभी हम डिस्कस करेंगे वॉलेंटरी वाइंडिंग अप के बारे में. देखो वॉलेंटरी वाइंडिंग अप जो है वो एज पर सेक्शन 59 कवर होता है. तो एज पर सेक्शन 59 वॉलेंटरी वाइंडिंग अप पूरा डिटेल कवर होता है, जिसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो आईबीसी है उसके बेसिस पे 31 मार्च 2017 तक कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स एंड प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, और 1 अप्रैल 2017 से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड विच इज कॉल्ड एज आईबीसी वो अप्लाई होता है. दैट इज कॉल्ड एज वॉलेंट्री वाइंडिंग अप. सो वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में आपको मैंने यहाँ पे सेक्शन लिख के दिया है, दैट इज कॉल्ड एज पर सेक्शन 59 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी विद वॉलेंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस 2017. सो दो तरीके के मोड्स है, एक होता है कंपल्सरी वाइंडिंग अप, दूसरा होता है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप. कंपल्सरी वाइंडिंग अप में क्या है, इनएबिलिटी टू पे डेट्स, grounds other than inability to pay debts. Voluntary winding up is covered under section 59. Up to 31st March 2017 raha to Companies Act 2013 apply hoga, aur 1st April 2017 se IBC apply hoga, that is called as Insolvency and Bankruptcy Code. Abhi hum padhenge ki winding up by the tribunal. तो winding up of the company under section 27 subsection 1, ये कौन सा section है कि company को अगर tribunal wind करेगा, tribunal का मतलब होता है court, तो court कब wind करेगा, court कब company को close करने के लिए बताएगा, तो ये सारी चीजें cover है basis पे section 27 1 के basis पे. तो अभी हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे points जो आपको क्लियर कर देंगे कि कंपनी के बेस पे कब कंपनी का जो ओवरऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको कोर्ट बोलेगा कि आप अभी अपनी कंपनी बंद करो, और ऐसे कौन से पर्सन है जो पिटीशंस फाइल कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट बोलता है कंपनी रिजोल्यूशन. तो कंपनी रिजोल्यूशन, कंपनी ने एक रिजोल्यूशन पास किया है, और रिजोल्यूशंस में ये बताया गया है कि कोर्ट, अभी जो कोर्ट है वो आपके कंपनी को वाइंड अप कर रहा है. दैट इज कॉल्ड एज कंपनी रिजोल्यूशन. मतलब कंपनी हैज रिजॉल्व्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन दैट द कंपनी विल बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल. फिर सेकेंड है, अगर कंपनी ने एक्ट किया है अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरिनिटी हो या इंटीग्रिटी हो ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स. मतलब अगर कंपनी ने कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी में काम किया है अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, तो भी कोर्ट बोलेगा कि आप अपनी कंपनी को वाइंड अप कर लो अभी. नंबर थर्ड है कि ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है, एक पॉइंट वो भी बता देता हूँ आपको जो मैंने पहले अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट है उसमें भी, अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि कंपनी किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो दैट इज बीन द सेम पॉइंट कॉल्ड एज नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हमने काम किया है, तो कोर्ट बोलेगा कि आपकी जो बिजनेस है अभी बंद कर दो. फिर अगर हमने रिटर्न्स फाइल नहीं किए, डिफॉल्ट इन फाइलिंग रिटर्न, उसका एक क्राइटेरिया है, अगर हमने रिटर्न्स फाइल नहीं किए फॉर लास्ट 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, हमें क्या करना है, इस साल से पीछे जाना है, लास्ट 5 ईयर्स में अगर एक भी साल रिटर्न फाइल नहीं किया होगा तो भी हम डिफॉल्ट में आते हैं, तो भी हमें कोर्ट बोलेगा, ट्रिब्यूनल बोलेगा कि आपकी कंपनी अभी वाइंड अप करनी है. और अगर इन चारों पॉइंट्स में, चारों पॉइंट्स कौन से हैं थोड़े रिवाइज कर लेते हैं, पहले था कंपनी रिजोल्यूशन, अगर इंटरेस्ट में काम नहीं किया है, फ्रॉड हुआ है, कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, रिटर्न फाइल नहीं किया है, इन चारों चीज़ों को छोड़ के अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि ना आप ये चारों चीज़ों में इन्वॉल्व हो फिर भी ट्रिब्यूनल थिंक्स दैट वाइंडिंग अप करना है, तो ट्रिब्यूनल के पास राइट होगा और वो ट्रिब्यूनल बोलेगा कि येस यू हैव टू क्लोज यूअर कंपनी. तो दैट इज़ बीन द पॉइंट्स रिलेटेड. सो ये सारे पॉइंट्स है जो अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं रिगार्डिंग
दी वाइंडिंग अप ऑफ बाई द ट्रिब्यूनल। तो ये मैंने एक छोटा सा वीडियो लाया था, इसके रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें हैं, अगले वीडियो में मैं ऐड करूँगा कि कौन से लोग पिटीशंस फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 272, हु विल फाइल पिटीशंस इन द ट्रिब्यूनल, कौन लोग ऐसे होंगे जो ट्रिब्यूनल में पिटीशन फाइल करेंगे ताकि कंपनी को हम क्लोज कर सके, और लिक्विडेटर स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट जो आपके साथ में डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते रहो, मैं ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। एंड अगर मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी पे जाके फॉलो करें, एज वेल एज लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वो चेक करें। सो दैट्स इट, टिल देन बाय बाय, वर्क हार्डर बी स्मार्टर।